अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा लिए दरख्त पर बैठा था। इत्तफाक से वहाँ से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी को बड़ी भूख लगी हुई थी। जंगल में काफ़ी देर से वो खाने की तलाश में फिर रही थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। अचानक उसे कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा नज़र आया तो दिल में कहने लगी कि काश ये रोटी मुझे खाने को मिल जाए। लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। कौवे की तरफ देखकर बोली, ओए कौवे मियाँ, वल्ला क्या हुसन है, क्या रंग है, तुम्हारा बुलबुल के परों में भी ऐसी स्याही नहीं। गर्दन है तुम्हारी सुराही की तरह और पर हैं चमकदार, ये शान परिंदों में किसी और की नहीं। अगर तुम्हारी आवाज़ सुरीली होती तो दुनिया में तुम्हारा कोई मुकाबिल नहीं था, लाजवाब हो तुम। कौवे ने जब ये बात सुनी तो दिल में कहने लगा, शायद ये वाकिफ नहीं है, वरना मेरी आवाज़ कोई कम सुरीली है। ये सोचकर कौवे ने अपनी चोंच खोल दी और काएं काएं करने लगा। बिल्ली के भागों छींका टूटा, कौवे की चोंच खुलते ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी दौड़ती हुई आई और रोटी का टुकड़ा खाने लगी और मुस्कुराने लगी। कौवा लोमड़ी को टुकुर टुकुर देखने लगा और कहने लगा, ये मेरी आवाज़ की नहीं बल्कि इस रोटी की दीवानी थी। लोमड़ी बोली, कौवे मियाँ, आवाज़ तो तुम्हारी बड़ी सुरीली है लेकिन अकल मोटी है। तुम्हारा दिमाग एक पैराशूट की मानिंद है, ये तभी खुलेगा जब इसे खोलोगे। अकल ने एक दिन ये दिल से कहा, भूले भटके की रहनुमा हूं मैं, शमा तू महफिले सिदाकत की, हुसन की बजम का दिया हूं मैं। तू जमानो मकां से रिश्ता बपा, ताहिर सिदरा आशना हूं मैं। किस बुलंदी पे है मकाम मेरा, अर्श रब्बे जली कहाँ हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर।